आपका जो अफ्व दरगुजर है, आपकी जो सखावत है, ज़ाहिर है उसकी मिसालें ऐसी हैं कि वो रहती दुनिया तक दी जाती रहेंगी। आगाज़ की अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियात के ज़रिए जो नमूने फराहम करने होते हैं, एक तो आपके अफ्व दरगुजर पर जब भी बात हम करेंगे तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम गफूरियत व सत्तारियत है, अल्लाह ताला अपने निज़ाम को समझाने के लिए ये नमूने भी दिखाता है कि आपने भी ज़िंदगी में जिस तरह गफारियत और सतारियत के उस अक्स की बुनियाद पर जो लोगों को माफ़ किया और चीज़ों को जिस अंदाज से देखा और फिर सखावत के तौर पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन और अल खल्क़ु अयालुल्लाह का पहलू आपके पेश नज़र था, इसलिए आपकी सीरत में अफ़ो दरगुजर और सखावत की मिसालें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अब दो तीन मैं बाकी बयान करूं। कहते हैं कि आप जा रहे थे तो एक आदमी जो किसी ख़ास इलाके का था तो वो आपके बुज़ुर्गों के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज कह रहा था, तो आपने कहा लगता ये कि आप किसी मुगालते का शिकार हैं और मुझे लगता ये कि आप कोई हाजतमंद भी हैं, तो आप उसको बाकायदा घर ले गए, 5,000 दिनार अशरफियों के दिए, उसके बाद उसको खाना खिलाया और उसको बड़ा रिस्पांस के साथ सवारी पर सवार किया। वो जाने के बाद वापस पलटा, उन्होंने कहा जनाब आपके बारे में जो हमें इतलाएँ मिलती हैं वो तो कोई और चीज़ है, लेकिन आपके आने के बाद हमें पता चला है कि आप तो बिल्कुल सुथरे और खरे लोग हैं और हक को सदाकत आपके साथ है, ये आपका रंग हत्ता कि आपके अफ़व दरगुजर की और भी कई मिसालें हैं। अब उससे बड़ी मिसाल क्या होगी, शिमर जैसा जो इनको कहना चाहिए कि इंसानी जिवाल की हर सूरत उसमें मौजूद थी, बिल्कुल ठीक, वो भी जब आपके पास अमान के लिए आता है तो उसको हुकूमत से बचाने वाला कोई भी नहीं, उसको भी दामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन में जगह लेनी पड़ी। आपने उसको जगह दी, उसको अमान दी, उसकी हिफाजत की, उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाए और वो समझता रहा कि शायद पहचान नहीं रहे, तो आपने कहा नहीं मैं पहचानता हूँ, आपने जो जो कुछ किया है वो सब कुछ मेरे सामने है, हाय हाय, लेकिन वो आपका किरदार था, ये हमारा किरदार, हाय हाय हाय, बताने के लिए ये अफ़ो दरगुजर की ऐसी मिसाल है। फिर आपकी जो सखावत का बड़ा गहरा रंग था, जब आपको गुसल देने के लिए आपके जसद मुबारक के लिए तैयारी होने लगी तो थोड़ा सा जब पहलू बदला गया तो आपकी पुश्त पर कुछ निशानात थे, तो इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि लोग बड़े हैरान थे कि ये क्या बात है, तो सब ने बताया कि रात के वक्त मख्फी खैरात करना ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर ख़त्म था। अल्लाह, आप जहां रात को काफ़ी देर इबादत करते फिर इबादत के बाद घरों में बाकायदा सामान तैयार रहते और लिस्टों की लिस्टें बनी हुई थी, उनके मुताबिक वो आटा वो चीज़ें अपने कंधों पर बाकायदा लाद कर बग़ैर किसी को इतला दिए वहां तक पहुँचा के आते थे। यहाँ रुक के ज़रा से एक बात समझाइए, ये जो रिवायत जब हम पढ़ते हैं कि बोरों के बोरे अपनी पीठ पर मुबारक पीठ पर लाद के मदीने की गलियों में रात की तारीकी में बिल्कुल छुप के लोगों के घरों में पहुंचाया करते थे, और रिवायतें बताती हैं कि 100 के करीब घराने जो हैं वो आपके पर्दा फरमाने के बाद सामने आए कि जिनसे आपको सिलसिला था। अब ये कैसी शान है अहले बैत अतहार की, डॉक्टर साहब ज़रा इस पर रुक के थोड़ा सा कलाम फरमाइए कि ये तो मिसालों में भी मिसालें नहीं मिलती हैं। जी हाँ, ये जो सखावत है और ये जो जवादियत है ये तो फिर जूद व सखा तो फिर इनका मंबा है ये लोग, तो सखावत की मिसालें बहुत ज़्यादा, बल्कि एक और इससे भी बड़ी नाजुक मिसाल मिलती है कि आपके कुछ रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके यहाँ कोई सर्फ और अखराजात के अतबार से तवाज़ुन नहीं था, तो ज़रा वहाँ चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो उनको आप तंबीह भी फरमाते थे कि आप ज़रा कंट्रोल भी करें, हाथ को ज़रा संभाल के रखें, लेकिन चूँकि वो ज़रा और मिजाज के थे तो वो कहते रहते थे लोगों को यार बाकी सब की खिदमत हो रही है लेकिन हमें तो जनाब कुछ भी नहीं देते, लेकिन आप रात को छुपकर उनको भी दे आते थे।